हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे कैलेंडर में नए ऐड हुए महोत्सव में स्वागत करना चाहेंगे और वसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और कई सारे शुभेच्छा। तो यह बहुत ही सुंदर मौसम शुरू होने जा रहा है और बहुत ही नयन मनोहर श्रृंगार आप सबको पसंद आया ही होगा। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम हमारे जो श्रृंगार टीम है संपूर्ण गोपालन प्रभु उनके निर्देशन में संपूर्ण डेकोरेशन के लिए कई सारे माताजी एक हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं और कई सारे हमारे भक्त जुटे हुए इस डेकोरेशन को हमारे नजरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो गोपालन प्रभु और उनकी सारी टीम उसमें हमारे सार्वभौम कृष्ण प्रभु, सुमेध प्रभु, आनंद चैतन्य प्रभु, सुमेध प्रभु, राजा रणछोड़ राय और कई सारे माताजी ऐसे अगणित भक्त इसके पीछे लगे हुए हैं। हम उनका कृतज्ञता पूर्वक और हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे। तीन बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। किस प्रकार से वृंदावन का एक बहुत ही रमणीय दृश्य उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है, तो उनका धन्यवाद हो गया। और खास करके आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद कि आप इस प्रकार से इस सत्संग में आए हैं। वैसे बुधवार का दिन है और गीतामृत भी हमारा चलता है, लेकिन एक विशेष महोत्सव का सत्संग, उसकी विशेषता, उसका उत्साह, उसका उल्लास, उसका चैतन्य, इसकी बात कुछ और होती है। और इसके लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य लगता है सत्संग में आके बैठने के लिए। कहा जाता है लोग जिनको चुनते हैं वो लोग संसद में बैठते हैं, लोग जिनको चुनते हैं वो लोग संसद में बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो लोग सत्संग में बैठते हैं। तो आप सभी इस प्रकार से महान भक्तगण इस सत्संग में हम लोग उपस्थित हुए हैं। वसंत पंचमी का दिवस वृंदावन में ऐसे तो बहुत बढ़िया महोत्सव चलता है, आज से वो शुरू होकर लगभग 40 दिनों तक चलता है, होली तक। एक्चुअली ये वसंत ऋतु की शुरुआत नहीं है, मराठी में जिसे कहते हैं चाहुल लागते, इसकी शुरुआत से भी पूर्व की शुरुआत होती है। यदि आपको पता होगा तो वैदिक ऋतु ये 6 ऋतु बताए गए हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अभी कौन सा चल रहा है? शिशिर चल रहा है अभी, शिशिर। थोड़ा सब लोग स्वेटर पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, तो वो शिशिर समझना चाहिए, ठंडी लग रही है। वसंत ऋतु जब शुरू हो जाता है तब उसकी शुरुआत कैसे होती है? उसकी शुरुआत होती है कोकिला, उसकी कुहू से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। एक सुभाषित में बताया जाता है कि कौवा भी काला दिखता है और कोकिला कोयल भी काली दिखती है। काक कृष्ण पिको कृष्ण को भेद काक पीकयो हो, वसंत समय आगमे तु काकह काकह पिकह पिकह। क्या कहा है इसमें कि पौवा भी काला है और कोयल भी काली है, तो दोनों में भेद क्या है? तो भेद तब हो जाता है जब वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और कोयल की सुंदर कुहू करके आवाज आती है, तब कौवे की काव का और कोयल की कुहू, ये दोनों से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन असली मधुर गाने वाला पशु है। तो वो वसंत ऋतु शुरू हो जाता है, उसके पश्चात हमारा आम का सीजन भी शुरू हो जाता है। तो कोकिला की कुहू के पश्चात हम लोग आम खा सकते हैं एक्चुअली। तो आज हम लोग ये पीला दिन साजरा कर रहे हैं, येलो डे, जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार से होता है ऑरेंज डे, येलो डे, ग्रीन डे, अलग अलग प्रकार के कपड़े वस्त्र पहनने के लिए कहे जाते हैं। तो यह है आज हमारा येलो डे, सब कुछ भगवान ने येलो पहना हुआ है। भगवान के थाली में भी आज जो पदार्थ थे उनका भी कलर येलो ही था। और आपको सीक्रेट बता देता हूं, आपके थाली में भी जो पदार्थ आने वाले हैं वो भी येलो ही आने वाले हैं। तो ये हमारा आज का येलो डे हम लोग वसंत पंचमी के उपलक्ष पर मना रहे हैं, क्योंकि सब जगह येलो ही वातावरण हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ठंडी के सीजन में खास करके आपने सुना होगा मक्के की रोटी और सरसों का साग, तो सरसों जो है वो इसी
महोत्सव इसी दिनों में आता है, इसलिए सारे खेत भी जो है आप देखेंगे तो नेचुरली पीले 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 हुए रहते हैं। और पीले पीले रंग की इस खास करके सीजन में बहुत ही जो है वो महानता बताई जाती है। तो हमारे वैदिक सभ्यता के हमने ऋतु देखे, वैदिक सभ्यता में 12 महीने भी होते हैं जिनके नाम जनवरी फरवरी से अलग होते हैं, जानते हैं सब लोग। तो ये हमारे महीने हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फल्गुन। और यदि आप गौर करके देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे के सारे महीनों में कुछ ना कुछ महोत्सव हमारे लिए बना के रखा है। सारे महीनों में आप लिस्ट बना सकते हैं पूरे कैलेंडर को लेके, तो सारे महीने हमारे लिए कुछ ना कुछ एक महोत्सव लेके आते हैं। तो जो माघ महीना है 11वां यहां पे लिखा गया है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हम लोग जो मनाते हैं वो है वसंत पंचमी। तो साधारणतः मनुष्य इनको उत्सव बहुत ही प्रिय लगते हैं, एक अलग चैतन्य मन में समा जाता है और फेस्टिवल है तो चलो मंदिर में जाया जाए, इस प्रकार से जो है वो लोगों की धारणा होती है। इसलिए कालिदास इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका शीर्षक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसमें कालिदास जी कहते हैं कि उत्सव प्रिय खलु मनुष्याः, तो सारे मनुष्य जो है वो किसके प्रिय होते हैं, वो कहते हैं उत्सवों के प्रिय होते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ उत्सव चाहिए, फिर नए वस्त्र परिधान करने के लिए कुछ महोत्सव मतलब वही सब होता है। तो किसी ने मुझे पूछा वसंत पंचमी के महोत्सव में हम लोग क्या विशेष करने वाले हैं, तो मैंने कहा दर्शन रहेगा, कथा रहेगी, कीर्तन रहेगा, प्रसाद रहेगा, यही सब विशेष है। और खास करके ये जो वसंत ऋतु है इसे ऋतुराज भी कहा जाता है, सारे ऋतुओं का राजा, सारे ऋतुओं का राजा। इसलिए गीता में भी भगवान कृष्ण, क्योंकि गीतामृत है तो हम लोग गीता को छोड़ नहीं सकते, भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, बृहत्सामतता सामना गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षोहम ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत्साम तथा सामनाम, साम वेदों में जो बृहत्साम करके मंत्र है वो मैं हूं भगवान कृष्ण। 10वें अध्याय का शीर्षक है विभूति योग, किस चीज में मैं क्या हूं ये भगवान बताते हैं। तो उसमें सारे सारे छंदों में गायत्री मंत्र मैं हूं और सारे मास महीनों में मैं कौन सा महीना हूं, भगवान कहते हैं मार्गशीर्ष, जिसमें गीता जयंती आती है हमने वो मनाई, और सारे ऋतुओं में कुसुमाकरः, मतलब कुसुम का अर्थ होता है फूल, चलो प्रभा जी ट्रांसलेट करते हैं फ्लावर बियरिंग स्प्रिंग। तो सारे ऋतुओं में वसंत ऋतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं। तो हम जब भी वसंत ऋतु के फूल देखेंगे, वसंत ऋतु उसमें शीतलता कम हो जाती है, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, शीतल हवाएं चलती रहती है, मन उल्लासित हो जाता है, तो हम लोग उसमें कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं कि वसंत ऋतु ये भगवान कृष्ण की ही एक विभूति है। तो जैसा हमने कहा कालिदास जी की उक्ति, मनुष्य खलु उत्सव प्रियः, उत्सव प्रिय होता है मनुष्य। और खास करके बाहर भी हम लोग जाते हैं, किसी उत्सव में हम लोग भाग लेते हैं, तो उन उत्सवों में भी लोग क्या किया करते हैं, देखने के लिए कुछ चाहिए सुंदर, सुनने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए जिह्वा के लिए कुछ चाहिए, और नए वस्त्र परिधान करने के लिए स्पर्श इंद्रिया। तो सारे मिलजुल के जो हमारी सारे इंद्रिया हैं उनको हम लोग संतुष्ट करके हमारे जो भी इस भौतिक संसार के महोत्सव है उनको हम लोग मनाना पसंद करते हैं। लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा हम लोग बहुत कुछ संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह संतुष्टि का एक स्वरूप अलग ही होता है। क्या होता है इस भौतिक संसार के जीवन का स्वरूप, प्रहलाद महाराज उन्होंने नरसिम्हदेव को कुछ प्रार्थनाएं अर्पण की है, तो उसमें एक सुंदर प्रार्थना में वो लिखते हैं
यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोक अग्निना सकलयो निषुदयमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमत धियाहं भूमन भ्रमामि वदमे तव दास्य योगम। प्रहलाद महाराज कहते हैं भौतिक संसार का स्वरूप क्या है, और हमने प्रैक्टिकली उसको अनुभव भी किया होगा हर एक व्यक्ति ने यहां पर बैठे। यस्माद् इस भौतिक संसार में प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म, जो हमारी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति होता है उनसे वियोग हो जाता है, प्रिय का वियोग, और जो अप्रिय है उसका संयोग। जिसको हम लोग पसंद नहीं करते वही हमारे साथ बैठ जाएगा। अप्रिय वियोग संयोग जन्म, और जो प्रिय है उसका कभी ना कभी कुछ वियोग हो जाता है, होता है ऐसा। तो जो प्रिय है उसका वियोग हो जाता है, और जो अप्रिय है उसका संयोग हो जाता है। तो ये इस भौतिक संसार का नियम है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। चलो इससे बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय तो करेंगे हम लोग। शोका अग्निना, और इससे क्या हो रहा है कि सकल यो निषुदह्यमान, कोई कहे कि नहीं इसमें मैं नहीं बैठता प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं सकल यो निशु, सारी योनि, मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, सारी योनि सकल योनिषु दह्यमान, दह्यमान दह्यमान मतलब जलाता है, और कौन सी अग्नि है ये जला रही है, शोकाग्नि, शोक की अग्नि है जो मनुष्य को जला रही है। तो बोलते उसका कुछ उपाय करना होगा, किसी फायर ब्रिगेड को बुलाना होगा इस अग्नि को बुझाने के लिए। शोकाग्नि ना सकल योनिषु दह्यमान दुख औषधम तदपि दुखम अत धियाहम, वो कहते हैं कि इस दुख को दूर करने के लिए जो उपाय करते ना हम लोग, वो जो उपाय है वो और दुखदायी होता है। उदाहरण के लिए मेरी सुरक्षा करने के लिए कुछ मैं बॉडीगार्ड्स रखता हूं, तो उद्देश्य क्या है, मेरी सुरक्षा हो, कोई मुझे हानि ना पहुंचाए, तो बॉडीगार्ड्स रख दिए, तो दुख है, क्या है दुख मेरा कि मेरे शरीर को प्रोटेक्शन देना है, इसका समस्या का समाधान मैंने किया बॉडीगार्ड्स लगा के। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो दुख है उसका जो औषध है वो और अधिक दुखदायी होता है, वही बॉडीगार्ड्स मुझे मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। इंदिरा गांधी है? तो जिनके बॉडीगार्ड्स ने ही उनको मार दिया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पुराने जमाने में हम लोग स्लो स्पीड से जाया करते थे, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी आदि गाड़ियां होती थी, तो घोड़े या गाड़ियां जो उस प्रकार की थी वो रास्ते गंदी कर देती है। हम लोग एक वर्ष पूर्व लगभग बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में गए थे, तो केदारनाथ में आप लोग पता होगा 17 किलोमीटर की चढ़ान होती है, 17 किलोमीटर उतरना होता है, एक दिन में 34 किलोमीटर चलना उतरना कुछ लोगों को संभव नहीं होता है, तो इसलिए उनकी सहायता के लिए वहां पे खेचर होते हैं, खेचर, तो उन खेचरों के ऊपर हम लोग बैठ के जा सकते हैं। तो जो खेचर है ना, तो उनकी वजह से सारा रास्ता गंदा हो जाता है, और उसकी वजह से जो पैदल चलते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। तो जो लोग पैदल गए होंगे उनको इसका अनुभव होगा, यमुनोत्री में और केदारनाथ में दो जगह इसका अनुभव आता है, जो खेचर की वजह से जो गंदगी होती है। तो इस गंदगी को दूर करने के लिए एक उपाय हमने सोचा कि चलो इसका आविष्कार करते हैं कि ये घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी अभी दूर कर देते हैं, ये बहुत रास्ता गंदा कर रहे हैं, अभी हम लोग नया आविष्कार करते हैं, कार लेके आते हैं। तो हम लोग कार लेके गए, दुख औषध, औषध निकाला, क्या है औषध, कार लेके जाएंगे। तो भी कार से हो क्या गया, वो समस्या तो दूर हो गई, रास्ते साफ हो गए, आजकल तो रास्ते बहुत साफ दिख रहे हैं, स्वच्छ नासिक स्वच्छ भारत अभियान है तो सब कुछ साफ सुथरा है, लेकिन उसकी समस्या यह हो गई कि रास्ते तो हमारे साफ हो गए लेकिन वातावरण प्रदूषित हो गया। तो बाहर से साफ लेकिन अंदर से, फिर दिल्ली आपको पता होगा कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया था, और 10 दिन पिछले साल 2019 में वहां पे सब स्कूल्स कॉलेजेस बंद किए गए थे केवल प्रदूषण की वजह से, इतना हवा में प्रदूषण था असहनीय। और उसके साथ साथ रोड एक्सीडेंट्स ले लो, ट्रैफिक जाम ले लो, कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो प्रहलाद महाराज जो कहते हैं कि दुख का जो औषध है वो और अधिक दुख देने वाला बन जाता है, तो इससे उपाय क्या है, दुख औषधम तदपि दुख मत धियाहम भूमन भ्रमामि वदमे तव दास्य योगम। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सारा घूम चुका हूं मैं अभी, भ्रमामि, ये सारा संसार भ्रमण होने के बाद मैं कह रहा हूं कि हे भगवान वदमे दास्य योगम, आपका अभी दास बना लीजिए, बाकी कुछ अभिलाषा नहीं है।
तो जब हम इस प्रकार से जो हम लोग इस भौतिक संसार में अलग अलग इंद्रियों के द्वारा उत्सव मना के सुख उपभोग करना चाहते हैं, उसकी मात्रा बहुत ही छोटी है, सीमित मात्रा है। इसलिए भौतिक संसार में जो आनंद मिलता है उसको हम लोग कहते हैं फिट, FIT, फिट। जो आनंद उसमें मिलता है ये फिट, FIT क्या है, इसमें जो मिलने वाला आनंद है इसका वर्णन किया जाता है फ्यूटिलिटी, इनसब्सटेंशियलिटी एंड टेम्पोरालिटी। समझ में नहीं आया होगा, एक उदाहरण बता दें। आप अभी प्रसाद के लिए जाएंगे कुछ समय पश्चात, तो जब प्रसाद के लिए जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आपके प्लेट में आपको बहुत सुंदर गुलाब जाम मिलने वाला है। वाह, आप सोच रहे होंगे पीला गुलाब जाम कैसे बनेगा, पीला कैसे बनाया होगा इन लोगों ने, पीला क्योंकि प्रसाद तो पीला होने वाला है आज, तो गुलाब जाम तो बता दिया। और आप जब जाते हैं लाइन में खड़े रहते, इतना लंबा खड़ा रहने के बाद आपके हाथ में प्लेट आता है और पता चलता है आज गुलाब जाम ही नहीं है। अच्छे क्या बताया प्रभु जी ने, व्यासासन पे बैठ के झूठ बोलते हैं, तो गुलाब जाम नहीं मिल गया तो वहां पे परेशान हो जाते हैं व्यक्ति। तो ये है सबसे पहला एस्पेक्ट, फ्यूटिलिटी, जो सोचते हो ऐसा मिलता ही नहीं है। दूसरा गुण है इनसब्सटेंशियलिटी, आप पंक्ति में गए खड़े रहे, आपके हाथ में प्लेट आ गई और उसमें गुलाब जाम भी आ गया, वाह प्रभु जी ने बताया था आज गुलाब जाम मिल गया, शायद प्रभु जी किचन से होके आए थे प्रवचन के पहले, तो गुलाब जाम मिल गया। आप अभी मधुरम समापयेत, मधुर स्वीट जो होता है वो थोड़ा बहुत आखिरी में खाया जाता है, सब कुछ खा लिया अभी आखिरी में रखा है, बाद में भी लास्ट निवाला कंक्लूजन ऑफ द मील हो रहा है, आप गुलाब जाम चखते हैं और पता चलता है उसमें शक्कर डालना भूल गए हैं, सारा रंग में भंग हो गया। कैसा लगेगा गुलाब जाम विदाउट शुगर, और आपने आखिरी में रखा था, कितनी आशा थी। तो यह है इनसब्सटेंशियलिटी, उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं होता है। कल्पना कीजिए आप जा रहे हैं कतार में खड़े हैं, आपके हाथ में प्लेट आ जाती है, उसमें रसगुल्ला है, आप आखिरी में खा रहे हैं और आप खाते हैं और उसमें शक्कर भी है अभी, लेकिन आपको एक ही मिलेगा। आप वापस जाते हैं, प्रभु जी दूसरा है, सेकंड सर्विस नहीं है। यदि वो देने वाला आपका मित्र है बोलता है ले ले लेके जा मेरी ओर से, वसंत पंचमी आज तू नाराज नहीं करूंगा, दो देगा तीन देगा, पूरी प्लेट भर के देगा। खाने की क्षमता हमारे अंदर है, कितना खा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बचपन में हम लोग जब शादी में जाया करते थे तब छोटे बच्चे कॉम्पिटिशन किया करते थे, शादी में जब जाते थे कौन सबसे अधिक गुलाब जाम खाता है, तो एक लड़के ने एक बार 20 गुलाब जाम खा लिए थे, मुझे याद है, कोई होगा गुलाब जाम का फैन फॉलोअर तो कितना, लेकिन लिमिटेशन है, फिर 21वां खाएंगे तो फिर अभी लगेगा बस बहुत हो गया, तो उससे अधिक हम लोग नहीं खा सकते। तो इसका यह है थर्ड एस्पेक्ट, टी, टेम्पोरालिटी। एक तो वो वस्तु आपको सीमित मात्रा में मिलेगी या असीमित मात्रा में मिल भी गई तो हमारी उसको आनंद उपभोगने की क्षमता सीमित है, FIT। तो इसलिए ऐसा असीमित आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ऐसे अलग अलग उत्सव हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिसमें हम लोग सारे इंद्रियों के द्वारा भगवान को अपने अंदर समा सकते हैं। आंखों के द्वारा इतना सुंदर श्रृंगार हम लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं, कानों के द्वारा भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा हमारे कानों के अंदर जा सकती है, और हम लोग इस प्रकार से महोत्सव में जब जाते हैं तो अपने आप को सजा के जाते हैं, राइट, अच्छे वस्त्र, फिर बाल संवरना, फिर अच्छे कपड़े पहनना, फिर ऑर्नामेंट्स पहनना। तो एक सुभाषित में बताया गया कि ये केवल हमारी बाहरी सुंदरता इन आभूषणों से नहीं बनती है, श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति काया खलु सज्जनानां परोपकारेन तु चंदनेन। इसमें वह है कि सुंदर व्यक्ति कैसे बनता है, कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले बताते हैं कि कानों की सुंदरता कैसे बनती है हमारी,
श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन, कानों में कुंडल पहनने से शोभा नहीं बढ़ती। आजकल हम लोग जब देखते कॉलेज रोड कभी आप जाएंगे तो बच्चे कहां कहां कानों में छेद करके क्या क्या डाला रहता है उन्होंने तो उनको देख के मुझे यही श्लोक आता है, याद आता है, श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन, कानों की शोभा बढ़ती है भगवान की कथा को सुनने से, न कि कानों में कुंडल डालने से। और श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, पानी, पानी का अर्थ है हाथ, पानी ग्रहण शब्द सुना होगा, पानी, हाथों की शोभा कैसे हाथ कैसे सुशोभमान होते हैं, कंकण से नहीं, दानेन पाणिर, दान देने से हमारे हाथों की शोभा बढ़ सकती है। विभाति काया खलु सज्जनानाम, और हमारे सारा शरीर कैसे विभूषित हो सकता है, परोपकारे न तु चंदने न, सारे शरीर को चंदन लगाने से काया सुशोभित नहीं होती है, दूसरों के लिए इस शरीर को जब हम गलाते हैं पर उपकार करते हैं तब जाके हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है। तो इसलिए हम लोग जब भगवान के मंदिर में ऐसा महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित होते हैं तो हमें सर्वप्रथम हमारे कानों की शोभा बढ़ानी चाहिए। और कानों की शोभा कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, भगवान की कथा का कानों के द्वारा पान करके। इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवत का एक श्लोक लेने वाले हैं आज, मेरे पीछे दोहराई श्रीमद् भागवत का आखिरी स्कंदक, उसमें ये वर्णन आता है, तदेव रम्यं रुचिरं नवनवम्, तदेव शश्वं मनसो महोत्सवम्, तदेव शोकार्णव शोषणं नृणां, यदुत्तम श्लोक यशो मुगीयते। ये भगवान की कथा का वर्णन है। इसमें अभी तक हमने जो शब्द चर्चा किए वो सब है, महोत्सव है, महोत्सव है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में हमने शोक इसकी चर्चा की थी, शोक अग्नि, यहाँ पे शोक का सागर बताया गया है। तो क्या है यहाँ पे बताया गया है कि यद उत्तम श्लोक यश अनुगीयते, जब भगवान की कथा का वर्णन, भगवान की कथा का जब गान होता है तो क्या होता है, सबसे पहले भगवान की कथा उसके शुरुआत की पंक्ति में वर्णन किया गया है, तदेव रम्यम, भगवान की कथा कथा कैसी होती है, रमणीय, हमारा मन को आकर्षित कर ले ऐसी रमणीय होती है भगवान की कथा, रम्यम। और होती है रुचिरम, रुचिरम का अर्थ है एक्चुअली पैलेटेबल, मतलब स्वादिष्ट, तो ये कथा स्वादिष्ट भी होती है और उसके साथ साथ कैसी होती है, नवम नवम, ये नई लगती है। पिछली बार वसंत पंचमी में आप लोगों ने कुछ प्रवचन सुना होगा, इस बार कुछ सुनेंगे, अगली बार कुछ और सुनेंगे तो भी ये कैसी लगेगी, नवम नवम। और तदेव शश्वत मनसो महोत्सवम, और ये मन के लिए एक महोत्सव करके सामने आ जाती है, उभरती है, ये है भगवान की कथा। और इस कथा का और एक विशेष गुण तीसरी पंक्ति में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्य, मनुष्य जो है वो अर्णव, अर्णव का अर्थ जानते हैं सब लोग, अर्णव कहते हैं सागर को, शोक अर्णव का अर्थ क्या हुआ, शोक का सागर, शोक अर्णव शोषणम, इसका अर्थ क्या हुआ, फिर जो शोक का सागर में हम लोग नृणाम हम लोग फंसे हुए हैं उस सारे सागर को शोषण कर लेती है, उसको निगल लेती है, उसको उससे दूर कर देती है, शोषण, शोषण कर देती है उसे, उसे ड्राई कर देती है, सूखा कर देती है, तो सारा शोक फिर भगवान की कथा सुनने के पश्चात चला जाता है। और जब शोक चला जाता है तब मन में केवल और केवल प्रसन्नता और आनंद ही बचा रहता है। यद उत्तम श्लोक यशो न गीयते, तो जब हम लोग इस प्रकार से भगवान की कथा का जब वर्णन करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा जो शोक का सागर है उसे सुखाया जा रहा है, सुखाया जा रहा है, और धीरे 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 वो सूख जाता है। तो इस प्रकार से जब हम महोत्सवों में सम्मिलित होते हैं,
जो कि भगवान से संबंधित होते हैं, उन महोत्सवों में हमें सारी इंद्रियों को खोल के भगवान को अपने अंदर प्रवेश देना चाहिए, तब जाके वो शोक को सुखाने का काम करेगी भगवान की कथा। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण एक स्थित प्रज्ञ योगी का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, यदा संहरते चायं कुर्मंगाणि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ योगी का लक्षण क्या होता है, यदा संहरते चायं कुर्म, कुर्म सब लोग जानते हैं, कुर्म अवतार कछुआ। तो जो कछुआ होता है उसका एक लक्षण होता है कि जब भी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है तो सारे इंद्रिया सिकुड़ लेता है, अपने शरीर के अंदर लेता है, उसे उसका जो टॉप कवरिंग होता है उसे कहते हैं शेल, उसी की ढाल बनाई जाती है एक्चुअली युद्ध में, युद्ध के दौरान। तो वो अपने शेल के अंदर अपनी सारी इंद्रिया ले लेता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक योगी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ इंद्रिय यदा संहरते चायं कुर्म अंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य, अपने इंद्रियों और इंद्रियों के विषय वस्तु जब संपर्क में आ जाते हैं तो अपने इंद्रियों को सिकुड़ लेता है, विषय वस्तु के साथ रममाण नहीं होता, ये योगी का लक्षण होता है। तो कोरोलरी क्या होगी, तो जब वो भगवान के सानिध्य में या भगवान के दिव्य स्पर्श में भक्तों के संग में होता है तब वो अपनी सारी इंद्रियां खुली कर देता है, और जब इंद्रिय उपभोग के सामग्री के बीच में होता है तो अपनी सारी इंद्रियों को सिकुड़ लेता है। इसलिए हम लोग जाते हैं, कभी भी आप मंदिर में, आप त्र्यंबकेश्वर में गए होंगे, शिवलिंग के बाहर एक उन्होंने ऐसा कछुआ रखा है। कोल्हापुर में लक्ष्मी देवी के सामने आप जाएंगे, कालाराम मंदिर में राम जी के सामने आप जाएंगे तो एक कछुआ आपको पत्थर का बनाया हुआ पाएंगे, और उस कछुए के सारे इंद्रियां बाहर निकाल के रखे हुए हैं। तो जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो सारे इंद्रियों को खोल के भगवान के सामने जाना चाहिए, किसी न किसी एक इंद्रिय से तो भगवान अंदर आ ही जाएंगे। एक बार एक अंधे संत भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, तो किसी ने पूछा, आप तो अंधे हैं, आप भगवान को देख नहीं सकते, आप क्यों ऐसे प्रकार से भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, देखो मैं तो भगवान को नहीं देख रहा हूं, नहीं देख सकता, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि भगवान मुझे देखे। तो भगवान हमें देखते हैं, और भगवान देखेंगे तो भी हमारा पोषण हो जाएगा। भगवान की दृष्टि इस भौतिक संसार में भी कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं। श्रीमद भगवद गीता में इसका दाखला देते हुए श्री प्रभुपाद जी उपनिषद का एक श्लोक कट करते हैं, वो कहते हैं, दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्मा विहंगमा। ओके, देखिए ये तीन पशु पक्षी, इनका नाम गिना गया है, जो अपने बच्चों की देखरेख देखभाल करते हैं दूर से ही। दर्शन, सबसे पहले दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्म विहंगमा, ये मैच द पेयर से वाला केबीसी का प्रश्न। तो दर्शन है मत्स्य, तो मछली अपने शिशु, जैसे आपने देखा होगा मुर्गी अपने शिशु, अपना जो अंडा होता है उसके ऊपर बैठ के उसे गर्माहट प्रदान करती है, तब जाके उसका शिशु, उसका पालन पोषण होता है। तो इस प्रकार से मछली का शिशु का पालन पोषण मछली कैसे करती होगी, ये कभी प्रश्न आता है हमारे मन में। तो मछली, ऐसा बताया जाता है, अपने शिशु का पालन पोषण केवल दर्शन से करती है, केवल देखती है और उसका पोषण हो जाता है। दूसरा है ध्यान, उसके लिए उदाहरण है कूर्म का, कूर्म कछुआ। कछुआ अपने अंडे देता है समंदर के बाहर, और समंदर में जब वो खुद जाता है तो वो ध्यान करता है कि मेरा शिशु अभी बड़ा हो रहा होगा या अंडे के अंदर, तो वो ध्यान से उसके शिशु का पोषण करता है। दर्शन ध्यान, और तीसरा है संस्पर्श विहंगमा, यानी पशु पक्षी। आपने देखा होगा कौवा, स्पैरो, चिमनी, ये अपने शिशुओं का संगोपन और उनका पालन पोषण अपने स्पर्श से करते हैं, स्पर्श प्रदान करते हैं और उनका पोषण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस भौतिक संसार के मछली केवल देख के अपने बच्चों का पोषण कर सकती है, एक कूर्म अपने बच्चों का पोषण केवल ध्यान से कर सकता है, और एक चिड़िया अपने बच्चों का पोषण केवल स्पर्श से कर सकती है। तो भगवान हमारे जीवों का पोषण केवल देख के और अपने ध्यान से क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं।
तो इसलिए वो अंधे संत ने कहा कि मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन ठाकुर जी जब मुझे देखते हैं तब मेरा पोषण होने वाला है, इसलिए मैं भगवान के दर्शन के लिए जाता हूं। तो हमें क्या करना है जब हम ऐसे महोत्सव में आते हैं, सारे इंद्रियों को खुला करना है। तो हम लोग एक एक करके एक एक इंद्रिया से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी आंखें, आंखों से हम लोग क्या करते हैं, कितना सुंदर सुंदर जो श्रृंगार है उसको हम लोग आंखों के द्वारा पी रहे हैं, पीते हैं। इसलिए भगवान की सुंदरता इसके लिए इतने सारे श्लोक अनेक सारे ग्रंथों में पाए जाते हैं। तो क्योंकि हमारे मदन गोपाल जी है तो एक सूक्त की रचना की गई है गोपाल चूड़ामणि करके, कि जो गोपाल है मदन गोपाल जी, इनकी सुंदरता का वर्णन कैसे किया जाता है। कस्तूरी तिलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान की सुंदरता का वर्णन हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। क्या बताते हैं वो, कस्तूरी तिलकम। भगवान ने तिलक किस चीज का किया हुआ है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, अपने माथे के ऊपर अपने ललाट के ऊपर कस्तूरी का तिलक उन्होंने लगाया हुआ है। वक्षस्थल है कौस्तुभम, और उनके वक्षस्थल पर क्या है, कौस्तुभ मणि है। एक बार मैं एक स्त्री वैष्णव उनके साथ चर्चा कर रहा था तो यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि क्यों होता है। तो वो उनका एक्सप्लेनेशन बता रहे थे, वो कहे कि, और मैं एक रिलेट भी कर पाया, मैं पहले वो कैसे रिलेट किया वो बताता हूँ। एक बार एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, उसके अंदर एक लिफ्ट थी, वो बहुत स्लो थी। तो सारे जो बिल्डिंग में रहने वाले निवासी थे वो उस मालिक के पास हमेशा शिकायत लेके जाते थे कि ये लिफ्ट बहुत स्लो है, लिफ्ट बहुत स्लो है, कुछ कीजिए कुछ कीजिए। मालिक ने एक सुंदर उपाय किया, मालिक ने क्या किया, उस लिफ्ट के अंदर आईना लगा दिया। अभी आईना लगा दिया तो सब लोग लिफ्ट में अभी खड़े हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर आईने की तरफ देखो, अरे आ भी गया, चलो अभी मेरा फ्लोर आ गया उतरते। तो कंप्लेंट शिकायत पूरी बंद हो गई, अभी कंप्लेंट करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि क्योंकि लिफ्ट में लोग खाली होते, करने के लिए कुछ नहीं होता है, फोन की भी रेंज नहीं आती है। तो कुछ करने के लिए चाहिए इसलिए आईना दिया गया। तो स्त्री वैष्णव बता रहे थे कि भगवान के वत्स उनके उनके वक्ष स्थल पर कौन निवास करता है, श्री वत्स कहा जाता है, लक्ष्मी निवास करती है। तो लक्ष्मी को बैठे बैठे बोर होता होगा तो उनके लिए आईना रखा जाता है, वो है कौस्तुभ मणि। वक्षस्थल है कौस्तुभम नासाग्रेवर मौक्तिकम, और उनके नासिका में एक बहुत सुंदर मोती लगाया हुआ है। करतले वेणु, उनके हाथ में क्या है, वेणु। करे कंकणम, और उनके हाथ में कर में क्या है, कंकणम। कंठे च मुक्तावली, और उनके कंठ में क्या है, बहुत सुंदर मोतियों की माला है। गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते, और सराउंडेड बाय ऑल द गोपीज, गोपियां राधा रानी प्रमुख रूप से उनके अगल बगल में खड़ी होके उनकी विजय गाथा प्रस्तुत हो रही है, विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो इतना ये सुंदर ध्यान है। गोपियां जब भगवान कृष्ण का दर्शन करती थी अपनी आंखों के द्वारा, वो ऐसा नहीं कहा गया है कि वो दर्शन करती थी आंखों से, ऐसा कहा गया है कि आंखों से भगवान को पीती थी। और जब कोई आंखों से पिएगा तो आनंद ही होगा उस व्यक्ति को, जब इतना सुंदर श्रृंगार हम लोग देखते हैं तो हमें आनंद होता है, प्रफुल्लित हो जाता है मन। तो गोपियों के बारे में बताते सुखदेव गोस्वामी, गोपियां आनंदित भी होती थी और क्रोधित भी होती थी। ऐसा कैसे संभव है, कभी आपने देखा है हम लोग आनंद भी है और साथ साथ दुखी भी है, ऐसा होता है, होता है कभी, नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता, थोड़े समय समय के पश्चात हो सकता है। अभी मैं दुखी हूं क्योंकि प्रवचन सुनने पड़ रहा है, बाद में सुखी हो जाऊंगा, प्रसाद लेने को मिलेगा। तो अभी दुखी है बाद में सुखी, लेकिन एक साथ दोनों कभी अनुभव होता है, अभी क्रोधी और अभी सुखी, एक साथ कभी नहीं होता है।
लेकिन गोपियों के बारे में वर्णन करते हुए जब गोपियां भगवान का दर्शन ले रही होती है तो दोनों भावनाएं एक साथ उनके मन में पलपती थी। कैसे? यस्यानन मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सव तत्रुषि पिबंत्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। तो यहां पे बताया कि यस्य आननम, आनन का अर्थ है चेहरा, भगवान का इतना सुंदर चेहरा और मकर कुंडल, उनके कुंडल किस प्रकार के हैं? मकर कुंडल तलपति श्रवणी कंठे कौस्तुभ मणि विराजित तुका मने माजे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने। श्रीमुख भगवान के श्रीमुख का वर्णन है मकर कुंडल। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, और उस मकर कुंडल से उनके कर्ण सुशोभित हो रहे हैं। भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, कपोल उनके गाल चमक रहे हैं, कपोल सुभगम सविलास हासम, और उनकी हंसी, उनकी मंद मुस्कान, उस हंसी की तो प्रसिद्ध, इतनी प्रसिद्धि है कि भगवान की यदि कोई हंसी देख लेता है तो ऐसा बताया जाए, हासम हरे अवनता अखिल लोक तीव्र शोकाश्व सागर विशोषणम अत्युदारम। भगवान इतने उदार है कि उनकी हंसी का केवल यदि कोई दर्शन कर लेता है, हासम हरे अवनत अखिल लोक तीव्र शोक अश्रु सागर विशोषणम। समझ में आ गया हुआ? वही शब्द जो हम लोग शोषण अश्रु शोकाश्रु सागर, अभी इसमें शोक के अश्रुओं का सागर है अभी, तो हमारे जो शोक हम लोग मनुष्य जीवन में जता रहे हैं उन शोक की वजह से जो अश्रु है उसका सागर बना है, उस सारे शोकाश्रु सागर विशोषणम अति उदारम, ये भगवान की हंसी है। तो जब गोपियां इस हंसी का आस्वादन कर रही है, भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, तो क्या हो रहा है उनके लिए? नित्योत्सवम न तत्रुपहु, इतना उत्सव वो महसूस कर रही है आंखों के लिए, न तत्रुपहु, वो तृप्त हो ही नहीं रही है, तृप्ति का अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा है, और पीते जाए और पीते जाए, और ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पीती जा रही पीती जा रही। न तत्रुपहु दृशिभि पिबन्त्यो, दृशिभि पिबन्त्यो, आंखों के द्वारा पिया जा रहा है, भगवान का सुंदर मुखकमल का दर्शन आंखों के द्वारा पिया जा रहा है, और इसलिए आनंदित हो रही है मुदिता, मुदिता। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि तृप्ति नहीं हो रही है, एक तक देख रही है भगवान की ओर लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है, लेकिन बीच में विघ्न आ रहा है, ये पलकें झपक जाती है बीच में, इसलिए क्रोधित हो रही है। कुपिता निमेश्च, उस जड़ बुद्धि वाले ब्रह्मा जी को अकल नहीं है कि आंखों के ऊपर पलके क्यों डाल दी, तो ऐसी गाली भी दे रही है ब्रह्मा को। गोपियां दे सकती है, कोशिश मत करना। तो गोपियां इस प्रकार से गाली दे रही है भगवान को, जड़ उदीक्षताम, कि ये जड़ बुद्धि वाला ब्रह्मा है, एक तो पहले दो ही आंखें दी उसमें ही पागल है वो कंजूस, इतना बड़ा शरीर उसमें केवल दो आंखें दी, क्या भगवान का दर्शन कर पाएंगे, और दी तो दी उसमें भी पलके लगा के दी कि एक टक होके हम लोग भगवान की ओर देख भी नहीं सकते। तो पी रही है, उसका आनंद है मुदिता, और उसमें ये पलके विघ्न डाल रही है इसलिए कुपिता, इसलिए क्रोधित हो रही है। तो इसे दोनों भावनों के द्वारा मिश्रित ये गोपियां इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार का दर्शन कर रही है। तो इस प्रकार से हम लोग भी जब इस प्रकार के उत्सवों में सम्मिलित होते हैं तो हमारे आंखों के लिए सर्वप्रथम हमने क्या करना चाहिए, इस प्रकार से भगवान के दिव्य श्रृंगार को केवल देखना नहीं चाहिए, उसे दृशिभि पिबन्त्यो, अपने आंखों के द्वारा उसे पीना चाहिए, और जब हम उसे उस प्रकार से पिएंगे तब वो हमारे हृदय के अंदर चला जाता है। तो ये हो गया आंखों के लिए, उसके बाद है हमारे कान, कानों के लिए भी कुछ मिलना चाहिए भाई, आंखों को दे दिया, दो भाई है, एक जन को दिया दूसरे को नहीं देगा तो कैसे चलेगा, तो आंखों के लिए दे दिया, अभी कानों के लिए भी कुछ देना होगा। तो कानों के लिए हमारे भगवान की कथा और कीर्तन हम लोग दे सकते हैं। पिबन्त्ये भगवद आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम,
पुनंति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम्। अब यहां पर भी कहा पिबन्ति, जो पीते हैं कहां से? अच्छा सबसे पहले क्या पीते हैं? पिबन्ति भगवत आत्मना सताम कथामृतम। पीना, पीना है क्या है? पीना है कथामृतम। और किससे पिया जा रहा है? श्रवण पुटेशु संवृतम, जो कानों के अंदर जो होल है श्रवण पुटेशु संवृतम उसके द्वारा पिया जा रहा है। और कितने मात्रा में पीना है? पीते जाना है, पीते जाना है, पीता जाना है ताकि ओवरफ्लो हो जाए। संवृतम, भर भर के हमारे कानों के अंदर भगवान की कथा डालनी है। इससे क्या होगा? विषय विदूषित आशयम, जो दूषित आशय हमारे हृदय को कलमश लगा के बैठा हुआ है उसे धुल दिया जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा? व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम्, भगवान के चरण कमल की ओर हम लोग और अग्रसर होते जाएंगे और अग्रसर होते जाएंगे। इसलिए कानों से क्या करना है? भगवान की कथा और भगवान को कीर्तन, इनको हमें सुनना है। तो हम लोग अभी क्योंकि वसंत पंचमी है तो एक भजन है जिसका नाम है वसंती रास करके, तो वो भजन हम लोग अभी गाएंगे क्योंकि सुनना चाहिए कानों के द्वारा, तो भजन सुनेंगे। और वृंदावन वास के दो प्रकार बताए, एक है शारीरिक वास, हम लोग वहां पे निवास करते हैं, शरीर निवास करता है तो वो एक व्रजवास है। और दूसरा होता है मानसिक वास, यहाँ पे रह के हम लोग कल्पना कर सकते कि मैं वृंदावन में हूँ और वृंदावन कितना अपार है, वृंदावन की महिमा कितनी अपार है, वो जब हम कल्पना करते हैं सोचते हैं तब हम वृंदावन में अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये उतनी उसकी क्षमता होती है। तो एक भजन हम लोग गाएंगे, ये है वसंती रास भजन। तो आप लोग पीछे गाइए, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदिनी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। पीठ अष्ट दलो वेष्टित अष्ट दल प्रधान नायिका। रत्न सोने जसिया छंदे जने श्याम संग सुंदर राधिका। लावण्य राशि हमने पूछे खुशी हस्य तरी हस संभाषण। दास को नित्य मीना सुख मोय सदाई स्वरूप मोर मने।
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर रतन मंदिर मनोहर तो ये वृंदावन का रम्य स्थान है जहां पर दिव्य चिंतामणि धाम उसे कहा गया है और रत्न मंदिर मतलब रत्नों का जो मंदिर है उसमें हमारे बसियाचिन दुई जने ये दो जन बैठे हुए हैं राधिका और कृष्ण तो इनके बारे में सुनना तो आंखों से इनका दर्शन करना कानों से इनके बारे में सुनना और इंद्रियां बच जाती है एक है हमारी घ्राणेन्द्रिया जिसे कहते हैं नासिका फिर नाक के लिए क्या बच जाता है भगवान के मंदिर में जब आते हैं तो नाक के लिए क्या बच जाएगा कुछ सुगंध बच जाएगी विदेश में एक बार वहां पे मंदिर मतलब ऐसा ही एक छोटा सा कोर्टयार्ड टाइप जो उन्होंने जिसमें मंदिर बनाया था वहां पे भक्त रोज एक साथ आके मॉर्निंग प्रोग्राम किया करते थे सुबह का कार्यक्रम उसमें फिर मंगल आरती नरसिंह आरती तुलसी आरती आदि सब होता था तो तुलसी आरती के लिए पता है हमें तुलसी प्रांगण में लाई जाती है तुलसी की आरती होती है और तुलसी की आरती जब धूप से होती है तो उसके पश्चात क्योंकि मंगल आरती में अल्टर के अंदर होती है तो उसकी सुगंध बाहर तक नहीं आ पाती तो जब तुलसी आरती रोज होती थी तो एक व्यक्ति रोज मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता था वो रोज उसी समय पे वो सुगंध उसे मिलती थी तो वो सोच रहा था कि इतनी अच्छी सुगंध कहां से आ रही है उसे पता नहीं चलता था तो वो सुगंध की दिशा में एक बार गया और गया तो देखा कि तुलसी आरती चल रही थी वो मंदिर में आया फिर वो रोज उस सुगंध के लिए आने लगा कि तुलसी आरती में जो सुगंध आ रही है वो बहुत ही महकदार है तो उस सुगंध के पीछे वो आते गया और ऐसा आते गया आते गया आते गया और फिर वो एक बहुत बड़ा भक्त बन गया उसके पश्चात केवल किसके द्वारा नाक के द्वारा और इसे उदाहरण है एक बार चार लोग इस प्रकार से उड़ते 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 हुए जा रहे थे कौन है चार लोग जो भगवान के भक्त नहीं थे सनक सनातन सनातन सनत कुमार ये चार चतुष कुमार जिन्हें कहा जाए ये ब्रह्मवादी थे बिल्कुल भी भगवान के रूप के ऊपर विश्वास नहीं ब्रह्मवादी है चार जन घूमते घूमते जा रहे अचानक क्या हो गया तस्य अरविंद महनस्य पदारविंद किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरण चकार तेषां संशोभम अक्षरजुषां अपि चित्त तन्मोह तस्य अरविंद महनस्य पदारविंद ऐसे कमल नयन वाले भगवान उनके चरण कमल तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद और भक्त जब भगवान का श्रृंगार करते हैं तो चरणों में क्या अर्पण करते हैं तुलसी और वो भी कैसी तुलसी किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु तो ऐसी किंजलक कस्तूरी या केशर केशर में या चंदन में मिश्रित तुलसी जब भगवान के चरणों में अर्पित की गई थी उसकी मकरंद वायु जो है वो इस प्रकार से फैल रही थी उसकी सुगंध और ये चतुष कुमार यहां से जा रही है वो सुगंध यहां से आ रही है और क्या हो गया तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां वो उनके नासिका के अंदर प्रवेश कर गई
संक्षोभम क्षरजुषाम अपिचित्त तन्वः, और उसने उनके शरीर में जाके एक ऐसी क्रांति मचाई कि उनका एक स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति हो गया और वहां से वो भगवान के बहुत महान भक्त बन गए। तो ये चतुष्कुमार ये भगवान के भक्त कैसे बन पाए? केवल जो तुलसी का सुगंध भगवान के चरणों में अर्पित की गई थी उसका सुगंध लेके भक्त बन गए। तो इस प्रकार से हमारी नासिका भी, जब हम नासिक के मंदिर में आते हैं और खास करके हमारे गोपालन प्रभुनाथ जी और आविष्कार करके सुगंधी फूल तो है ही, उसके साथ साथ जो धूप है मंगल आरती का, यदि आप धूप सूंघेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी तक उसकी खुशबू महकती है, वो लाया हुआ है। तो मैं आपको न्योता भी दे रहा हूं तो उसकी महक तो हमारी नासिका के द्वारा हम लोग उसे हमारे शरीर के अंदर ले सकते हैं, और वो भी भगवान की व्यवस्था है इस प्रकार से। और एक इंद्रिय बच जाता है हमारा, वो है हमारी जिह्वा। तो जिह्वा के लिए भी बहुत सुंदर कार्य बताए गए हैं। जिह्वा के लिए एक तो है सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रसिद्ध प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन कहा जाता है प्रसाद। तो वो वहां पर भी हम लोग भगवान के दर्शन कर लेते हैं, तो भगवान प्रसाद के रूप में भी, और आज तो पीले प्रसाद के रूप में हमारे अंदर जाएंगे और वो अलग से अपना क्रांति मचाने का काम प्रारंभ हो जाएगा। और उसके साथ साथ जिह्वा और एक काम कर सकती है जब हम मंदिर में आते हैं, वो है भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार एक साधु नदी के किनारे खड़े थे और राह देख रहे थे, देख रहे हैं। एक व्यक्ति आ जाते, साधु महाराज क्या देख रहे हैं आप, क्या परख रहे हैं? साधु महाराज भी कि मैं राह देख रहा हूं कि ये नदी बह के कब खत्म हो जाएगी। सटिया गया है। तो व्यक्ति बोले ये ऐसा कभी संभव है नदी बह जाके खत्म हो जाएगी? अच्छा ठीक है, आप राह तो देख रहे, आपको करना क्या है? मुझे जो है उस नदी के उस पार जाना है, तो जब पानी बहके खत्म हो जाएगा मैं उस पार चला जाऊंगा चलते चलते। कितना सिंपल है, साधु ने जवाब दिया। वो व्यक्ति का पागल हो गए, साधु महाराज ये नदी का पानी कभी कम नहीं होने वाला है, बहती ही चलेगी। आप उससे वो रुकने के बाद आप जाएंगे, मनोकल्पना इस भ्रांत धारणा में मत रहिए, ये कभी रुकने वाली नहीं है, ये चलती ही रहेगी, ये गंगा नदी है। साधु महाराज ने कहा जब हम भी आपको कहते हैं कि भगवत भावना भावित हो जाइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, तो आप लोग भी कहते हैं मेरा ये काम हो जाएगा ना तो मैं जप करूंगा, मेरा वो हो जाएगा तो मैं जप करूंगा। अरे ये काम खत्म होने वाले नहीं है। तो साधु महाराज ने कहा कि भगवान के नाम के जप के लिए इन चीजों को रुकने की राह मत देखना। इसलिए कहा जाता है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत में होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो भगवान के नाम का जप करके हमें कुछ समय निकालना ही होगा, और भगवान के दिव्य नाम का यदि हम लोग जप करते हैं, उसका आश्रय ग्रहण करते हैं, तब हमारी जिह्वा इस कार्य में लग जाती है और वो अलग क्रांति अपनी मचाना शुरू कर देती है। और एक इंद्रिय बच जाता है हमारा। हम पांच इंद्रिय की चर्चा करने जा रहे हैं, पांच। एक आंख हमने देख ली, कान हमने देख लिया, नाक हमने देख लिया, जिह्वा हमने देख लिया, उसके बाद बच जाता है स्पर्श, या स्पर्श इंद्रिया। तो ये स्पर्श भी हम लोग भगवान के संपर्क में ला सकते हैं, भगवान के नहीं तो भगवान के भक्तों के संपर्क में तो ला ही सकते हैं। तद्भुत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, राजा अम्बरीश के बारे में वर्णन किया जाता है कि भगवान के भक्तों को आलिंगन देके वो स्पर्श इंद्रियों को शुद्ध किया करते थे। और भगवान और उनके भक्त, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूं और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, तो मैं और मेरे भक्त ये दोनों अभिन्न रह जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के स्पर्श में आना और भगवान के स्पर्श में आना ये एक समान है। और जब भगवान के स्पर्श में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका तो क्या कहना, उसका तो इतना बड़ा उद्धार हो जाता है। पूतना भगवान के स्पर्श में आई थी कुछ समय के लिए, आई थी ना,
पद्भ्याम भक्तिर विस्ताभ्याम अन्याभ्याम लोक वंदिते अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम या तो धान्य पिशा स्वर्गम अवाप जननी गति कृष्ण भक्त स्तन क्षीरा किम गावो न मातर पुतला के बारे में वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पदभ्याम भक्त रुदिस्ताभ्याम ऐसे भगवान जिनके पद जिनके चरण भक्त लोग अपने हृदय में धारण करके रखते हैं रुदिस्ताभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदिते सारा लोक तीन लोक शिव जी ब्रह्मा जी ये सब उनके चरण कमलों को वंदन करते हैं और भक्त अपने हृदय में ऐसे चरणों को धारण करके रखते हैं अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम ये चरण तो छोड़ दो पूरे के पूरे भगवान अभी पुतना के स्पर्श में आए थे और उसका स्तनपान कर रहे थे या तु धान्यपि सास्वर्गम अवाप जननी गतिम और वो क्या करने के लिए आई थी भगवान का स्पर्श करने के लिए नहीं आई थी वो भगवान को मारने के लिए कालकूट जहर अपने स्तनों के ऊपर लगा के आई थी इस जहरीले उद्देश्य से आई थी लेकिन फिर भी अवाप जननी गतिम फिर भी भगवान ने उसे अपनी माता का दर्जा दिया कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम गावो न मातरा अरे ऐसे गौ और ऐसे माँ का क्या कहना जिन्होंने प्रेम पूर्वक ऐसे भगवान का स्पर्श किया है और उन्हें दूध पान किया है ऐसी पूतना को भी जब माँ की गति भगवान दे सकते हैं और इसलिए जब पूतना मर गई तो सारे व्रजवासियों ने मिलकर उसके टुकड़े 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 कर दिए और सारे टुकड़ों को जला दिया अभी जला दिया तो जलने के बाद तो धुआं उसकी बदबू और वो पूतना तो राक्षसी पूतना बाल घाती नहीं वो बालों को मारा किया करती थी वो क्या कुछ नहीं खाती थी और जब उसका शरीर जलाया जाएगा तो कैसी बदबू आनी चाहिए लेकिन श्रीमद् भागवतम बताता है हुआ उसके विपरीत पूतना के टुकड़ों को जब जलाया गया तो क्या हुआ दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ उक्थित कृष्ण निर्भुक्त किमुत सपदी आहत पाप मनः वो बताया गया कि पूतना का जब शरीर जलाया गया दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ अगुरु की सुगंध आने लगी पूतना के शरीर से अभी हमें पता नहीं चलेगा अगुरु की सुगंध क्या होती है लेकिन कस्तूरी हम लोग समझ सकते हैं कस्तूरी से भी और एक स्तर ऊपर होता है अगुरु अगुरु की सुगंध आने लगी धूमश्चा गुरु सौरभ क्यों क्योंकि उक्तितः कृष्ण निर्भुक्त क्योंकि कुछ समय के लिए वो कृष्ण के संपर्क में आई थी और सपदी आहत पाप मनः सारे पाप उसके क्षीण हो गए थे जल गए थे और उसके कारण वो शुद्ध हो गई थी और अभी निर्मल बन गई थी और अगुरु की सुगंध आ रही थी तो इस प्रकार से जब हम भगवान के और भगवान के भक्तों के स्पर्श में जब आ जाते हैं तब एक अलग प्रकार की महक हमारे से बाहर आ जाती है इसलिए हम लोग जब पांचों इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को मंदिर में जब हमारे अंदर हमारे सिस्टम के अंदर ग्रहण कर लेते हैं जिस प्रकार से एक स्पंज यदि आप पानी के अंदर डाल लेंगे और जब पानी से बाहर निकालेंगे और उसे निचोड़ेंगे तो क्या बाहर आएगा पानी ही बाहर आएगा उस प्रकार से एक भक्त जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और अपने पंचेंद्रियों के द्वारा भगवान को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और जब वो बाहर जाता है तो उससे क्या बाहर आएगा हमेशा कृष्ण ही बाहर आएंगे और उसे कहते हैं प्रचार क्योंकि यहां पे आके आप्लुत होके बाहर जा रहा है और ऐसी महक कृष्ण भावना की महक वो बाहर फैलाता है सचिदानंद स्वामी एक उदाहरण देते हैं मुझे आप डांटना मत उस उदाहरण के लिए सचिदानंद महाराज अपने किताब में एक उदाहरण लिखते हैं जिस प्रकार से एक महिला ब्यूटी पार्लर से जब बाहर आती है तो एक महक लेके आती है उस प्रकार से भक्त जब कृष्ण भावना से कृष्ण के संपर्क में आ जाता है वो एक कृष्ण का महक इस संसार में लेके आता है और ऐसी ही कृष्ण भावना की महक लेके श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए थे और उन्होंने कृष्ण भावना का प्रचार इस प्रकार से हिप्पियों को किया था और उन्हें भी हैप्पी बनाया था तो इस प्रकार से जब हम ऐसे महोत्सव में आते हैं इसमें हम अपने आप में आपके आपके हमारे अंदर कृष्ण को भर लेते हैं और जब बाहर जाते हैं वही कृष्ण जब बाहर जाता है इसलिए राधा रानी श्रीमती राधा रानी इनका एक नाम है कृष्णमयी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता उनका नाम ही है कृष्णमयी क्यों कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे यहां यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे क्योंकि कृष्णमयी कृष्णजार भीतरे बाहिरे उनके अंदर भी कृष्ण है और उनके बाहर भी केवल क्या है कृष्ण है इसलिए जहां जहां नेत्र पड़े तहां
कृष्ण स्फुरे, जहां जहां उनके नेत्र पड़ते वहां उन्हें कृष्ण का स्फुरण होता है, भगवान कृष्ण की याद आती है। तमाल वृक्ष को भी वो देख ली तो वो आलिंगन करती है, समझती है कि कृष्ण है। श्याम वर्ण के बादलों को जब देखती है तो वो विरह में चल जाती है कि कृष्ण मेरे से इतने दूर क्यों है। तो जहां जहां देखती है वहां कृष्ण स्वरण आते हैं। और इसी प्रकार से इसके विपरीत चेतना होती है एक असुर की, जो जहां जहां कोई चीज देखता है वो सोचता है कि ये मेरे उपभोग के लिए कैसे बनेगी, और उस असुर का नाम है हिरण्यक्ष। जहां जहां नेत्र पड़े वहां सोचे कि ये मेरे लिए कैसे हो सकता है। अक्ष का अर्थ है आंखें, हिरण्य का अर्थ है सोना। तो जहां जहां देखे वहां इसमें मेरा स्वार्थ मुझे क्या मिलेगा, जहां जाएगा वहां से सोना वो खींचने का प्रयास करेगा, वो है आसुरी प्रवृत्ति। तो हमें जो है वह ऐसे महोत्सव में आके हमारी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग कर देना चाहिए। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की जो प्रकृति है कृष्णमयी, तो उस प्रकार से हमें कृष्णमयी बनना चाहिए। और इसलिए खास करके जो वसंत ऋतु हम लोग देख रहे हैं उसे कुसुमाकरह भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने कहे, तो इस प्रकार से जो फूल होता है उस फूल को हमारे पास चयन है, हम लोग किसे ऑफर करेंगे, क्योंकि इसी वसंत ऋतु में और एक दिवस आता है तो फूल है तो चॉइस हमारा है, किसी और एरे गेरे को ऑफर करेंगे तो यूल बिकम एफ ओ ओ एल फूल। मिर्जा गालिब एक बार अपना सर के ऊपर कपड़ा बांध के जा रहे थे, किसी ने पूछा गालिब जी क्या हो गया आपके सर को, गालिब जी अभी उनके शायराना अंदाज, तो गालिब जी क्या कहते कि उनकी गली से हम गुजरे अजीब इत्तेफाक था। उनके गली से हम गुजरे अजीब इत्तेफाक था, उन्होंने वैलेंटाइन का फूल फेंका, गमला भी साथ था। तो गमला उनके सर के ऊपर आया होगा शायद से। तो यहां पर किसी एरे गेरे व्यक्ति को हम लोग ऑफर करते तो वी मेक एफ ओ ओ एल आउट ऑफ आवर सेल्फ, और वही फूल जब हम भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो वी बिकम एफ यू एल एल फूल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। संसार के जो भी आकर्षक वस्तुएं भगवान कृष्ण कहते हैं दसवें अध्याय में, यद्यद् विभूति मत् सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। इस संसार में जो भी तुम आकर्षक देख रहे हो, शक्तिशाली देख रहे हो, धनी देख रहे हो, ज्ञानी देख रहे हो, जो भी रूपवान देख रहे हो, वो सब क्या है, मेरा अंश है। और इस आत्मा की भूख इतनी बड़ी है, इतनी तृष्णा बड़ी है कि ये छोटे से स्पार्क से संतुष्ट होने वाला नहीं है। निर्जल एकादशी के पश्चात आपको कहे कि केवल एक बूंद जल की आपको मिलेगी, संतुष्ट होने वाले नहीं है, पूरा ग्लास भर के नींबू पानी चाहिए। तो उस प्रकार से तृष्णा वाला हृदय हमारा बन गया है, हम लोग कृष्ण को ढूंढ रहे हैं लेकिन हम लोग कई और चीज के पीछे, स्पार्क के पीछे हम लोग इतना भाग रहे हैं और वो कुछ रस आस्वादन नहीं कर रहे। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है रसो वही सह, जो रस के आगार है, रस से पूर्ण है। तो ऐसे रसपूर्ण भगवान से हम लोग जब दूर चले जाएंगे तो हमारा जीवन नीरस बन जाएगा, नीरस जीवन। इसलिए आप लोग जब भी लाल गाड़ी के डिब्बे में प्रवास किए होंगे सब लोग, तो जब हम लाल गाड़ी के डिब्बे में प्रवास करते हैं तो हमें क्या चाहिए, सीट कौन सी पसंद करते हैं हम लोग, हाँ विंडो सीट तो चाहिए, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फ्रंट सीट है ना, आगे बैठना चाहिए, पीछे बैठेंगे तो धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ड्राइवर गाड़ी का चालक है, ड्राइवर के जितना नजदीक बैठेंगे उतने धक्के कम लगेंगे, जितना ड्राइवर से दूर बैठेंगे उतने धक्के ज्यादा लगेंगे। इसी प्रकार से इस हमारे जीवनी के ड्राइवर है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से जितना दूर रहेंगे उतना जीवन नीरस बन जाएगा और उतने धक्के ज्यादा अधिक खाने पड़ेंगे, लेकिन जितना भगवान के नजदीक हम लोग रहेंगे उतने धक्के कम खाने पड़ेंगे। और केवल कम धक्के खाने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान रसपूर्ण है तो हमारे जीवन भी रसपूर्ण बन जाता है और फिर किसी अन्य चीज की अभिलाषा नहीं रह जाती। आप सब लोगों ने श्रृंगार में पीछे देखा होगा मदन गोपाल के पीछे छत्ता लगा हुआ है, छत्ता देखा होगा आपने, यदि बारकाई से आंखों के द्वारा यदि आपने दर्शन पिया होगा
तो हमारे आनंद गोपिया प्रभु उन्होंने जो मधुमक्खी वहां पे उनको नाम दिया है गब्बू गब्बू तो इतनी बड़ी बड़ी मधुमक्खी है। तो यही मधुमक्खी और उसके पीछे जो छत्ता लगाया हुआ है, ये मधुमक्खी का वर्णन श्रीमद् भागवत में कर किया गया है कि ये जो मधुमक्खी है यहां वहां भागती है रस प्राप्त करने के लिए ना। मधुमक्खी क्या फूलों के अंदर रस प्राप्त करने के लिए इस फूल से उस फूल तक, इस फूल से उस फूल तक भागती रहती है, लेकिन तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक उसे पारिजात फूल नहीं मिलता। पारिजात सेवते मूलम आसाध्य साक्षात किम किम वृणीमही। पारिजातेंग सालब्धे सारंग अन्य अन्य न सेवते। सारंग कहते हैं भौरे को। जब सारंग इस प्रकार से पारिजात का जब फूल उसे मिल जाता है सूंघने के लिए और उसका रस प्राप्त करने के लिए, तब उसे अन्य अन्य किसी भी फूल की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से जब भगवान का भक्त भगवान के चरण कमलों को आस्वादित कर लेता है, बाद में उसे किसी और की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह है सारंग और जो पीछे छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खी का, उसे हम लोग सीख सकते हैं। तो हमें इन फ्लावर बेयरिंग सीजन में यदि आपको कोई कुछ फूल दे दे तो एफ ओ ओ ओ ओ एल मत बनिए, हमें क्या बनना है एफ यू एल एल। और अंतिम में हम लोग देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी यही कहा गया है कि जो फूल हमें अर्पण करना है वो किसे अर्पण करना है, भगवान के चरणों में अर्पण करना है। मन सुमन स्वम ही याति यस्य पदाब्जयो सुमन अर्पण मात्रेन तम चैतन्य प्रभुं भजे। कुमन, हमारा मन कैसा हो गया है आज, कुमन गंदा हो गया है, हमारा मन गंदा हो गया है। इसलिए कहते हैं ना कि आज के तारीख में गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ रही है, जबान में मिठास कम रही है, कम हो रही है और शरीरों में शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो हमारे मन कलुषित है, यह है हमारा कुमन। तो इस कुमन को यदि हमें सुमन में परिवर्तित करना है, कुमन को क्या बनाना है, सुमन, गंदे मन को अच्छा मन बनाना है, तो वो एक सुंदर सूत्र बता रहे हैं। वो कहते कि सुमन अर्पण मात्रेण तम चैतन्यम प्रभु मजे। सुमन का आर्य अर्थ होता है पुष्प। तो यदि भगवान को इस प्रकार का सुमन अर्पण करेंगे तो हमारा जो कुमन है वो भी सुमन बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपको सुमन मिले वो अपने सुमन से अर्पण कीजिए भगवान को। हमारा जो मन है कुमन वो सुमन में परिवर्तित हो सकता है। और भगवान को हम लोग हृदय पूर्वक जो भी प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान उसका स्वीकार कर लेते हैं। तो हम लोग आखिर में और एक जो है वह हमारे जीव गोस्वामी पाद द्वारा रचित युगल अष्टकम, इसमें हम लोग ये गाएंगे। और इसमें भगवान को इस प्रकार की प्रार्थना की है कि राधा और कृष्ण इनके जो संबंध है उसको स्थापित किया है जीव गोस्वामी ने। और अंतिम में जीव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन काल में, मेरे मृत्यु काल में, जीवन काल जन्म प्रारंभ हुआ मृत्यु काल जीवन अंत हो जाएगा, और नित्यम नित्य रूप से जन्म से लेकर मृत्यु तक आप ही मेरे आश्रय हैं। और मन पूर्वक जब भी जो भी कोई व्यक्ति इस प्रार्थना को गाता है भगवान की कृपा दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर अवश्य होती है। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो ये युगल अष्टक कृष्ण प्रेम मई राधा राधा प्रेम मयो हरि कृष्ण प्रेम मई राधा राधा प्रेम मयो हरि जिन्होंने
धने राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधया ब्रह्मं हरिः कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने धने नित्य राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण गृहे स्थिता राधा राधा गृहे स्थितो हरि राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरि राधा कृष्णौ गतिर्मम
राधा पीतांबर धर हरि नित्याम राधा कृष्ण उदाते मामा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवन निधन नित्यम राधा कृष्ण भक्तिर्मा नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मामा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रेममयी राधा प्रेममय हरि जीवन निधन नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मामा जीवन निधन नित्या
राधा कृष्ण गतिर्मम। तो इस प्रकार से जब भी हम हमारा जीवन निधन और सारा नित्य काल है, जब हम केवल भगवान को आश्रित होकर कहेंगे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, क्या कहना है हे भगवान, तो जब हम ये कहते हैं तो भगवान सुन लेते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अवह्यं सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम। प्रभु रामचंद्र कहे कि ये मेरा व्रत है। क्या है मेरा व्रत? सकृत केवल एक बार भी कोई व्यक्ति कह लेता है तो वो अस्मि, मैं किसका हूं, मैं आपका हूं। तो जब हम एक बार भी यदि कोई कह लेता है, तो आप सब लोगों ने तो एक बार कह दिया है अभी, तो कोई व्यक्ति एक बार भी कह देता है हे भगवान मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति का बेड़ा पार करने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, ये मेरा व्रत है। तो इस प्रकार से आज हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हुए यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और कई कई करोड़ों जन्मों से मैं इस संसार में दुख भुगत रहा हूँ, तीन तापों के द्वारा तप रहा हूँ, कृपया अभी किसी वैष्णव के गुरु के कारण मुझे इस दिव्य स्पर्श अपने पंचेंद्रियों के द्वारा आपको अपने अंदर लेने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं कृतकृत्य हूँ, आपका आभारी हूँ, और इसी प्रकार से मुझे हमेशा हमेशा आपके साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की, श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्रींद्र प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रीमान कृष्णवं प्रभु की जय।